तो हे गाइस, आपने देखा क्या अदिति रॉय का ये वाला लुक कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं कि मैं पीछे कैसे हटूँ, तो मैं भी इस लुक को क्रिएट करती हूँ। तो मैं बता दूँ गाइस, अदिति रॉय का ये वाला ही लुक नहीं बल्कि सारे लुक ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और कई सारे लुक ट्रेंडिंग में हैं अदिति रॉय के। अदिति रॉय के ही नहीं, हीरा मंडी के और भी जो करेक्टर हैं उनके भी, जैसे सोनाक्षी सिन्हा हो गई, इनफैक्ट मनीषा कोइनारा, उनके भी मेकअप लुक लोग शेयर कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लुक है। इसमें के सभी एक्टर के जो मेकअप लुक है, कॉस्ट्यूम में गाइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाइक इसमें के लुक आ रहे हैं, और सभी का लुक काफ़ी नेचुरल सटल सा ही रखा गया है। जैसे कि आज मैं ये वाला जो लुक शेयर कर रही हूँ अदिति रॉय का, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूड एंड सटल लुक है और ग्रेसफुल लुक है। तो उसी तरीके से गाइज मैं यहाँ पर मेकअप करूँगी। मैंने यहाँ पर कलर करेक्ट किया ताकि मेरा भी लुक अदिति रॉय का जैसा ग्रेसफुल लगे एंड नेचुरली अच्छा लगे देखने में। तो इसके बाद मैंने फाउंडेशन लिया था जो कि काफ़ी डुई फिनिशिंग वाला फाउंडेशन था NY का, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसील किया अपने अंडर आई जो मेरे हाई पॉइंट्स से, उनको कंसील किया, एंड फिर मैंने साथ ही साथ कंटूर भी किया है, चिक को कंटूर किया है, नोज़ को किया है, थोड़ा बहुत फोरहेड को भी किया है, क्योंकि अदिति रॉय का ये वाला जो लुक है ना ब्राउनी लुक है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पर करना स्टार्ट की हूँ, और फिर इसको कॉम्पैक्ट के हेल्प से सेट कर दूँगी, क्योंकि गाइस मेकअप लुक काफ़ी सटल है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो हम भी उसी तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पे नोज़ को कंटूर किया, फिर चिक को कंटूर कर रही हूँ। कंटूर गाइस थोड़ा ज़्यादा करें क्योंकि लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें ब्लश का ज़्यादा यूज नहीं किया है, तो ब्लश बस हम हल्का हल्का यूज़ करेंगे, और काफ़ी नेचुरल तरीके से हमें यहाँ पे लुक क्रिएट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ। इसमें से जो लाइट ग्रे शेड है ना, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। क्योंकि जो ब्लैक वाला था ना उसका यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता। एंड इसके बाद गाइस आई मेकअप की बारी है। आई मेकअप के लिए गाइस मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सटल आई लुक है अदिति रॉय का, ब्राउनी स्मोकी आई लुक है। तो फर्स्ट मैंने सॉफ्ट सा ब्राउन लिया, उसको क्रीज के ऊपर ब्लेंड किया, देन फिर डार्क कलर का शेड लिया, और उससे मैंने ना इनर कॉर्नर पर, सॉरी आउटर विच साइड पर ना डेप्थ दिया। फिर उसके बाद गाइस लोअर आईलिड को भी मैंने अच्छे से अप्लाई किया वहाँ पे आई शेडो का। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे हल्का पिगमेंटेशन वाला गोल्डन शेड का यूज़ किया है, और सिमर शेड ही है लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, बस शाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। इसके बाद गाइस मैंने मीडियम आईलाइनर यहाँ पे ड्रॉ किया, देन फिर मस्कारा यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे फेक आईलैशेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। एंड अदिति रॉय ने भी आई थिंक नहीं किया है फेक आईलैशेस का यूज़, क्योंकि लुक प्रॉपर तरीके से गाइस एकदम नेचुरल रखा हुआ है, एंड काफ़ी न्यूड लुक है जो कि बहुत ही ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल लुक है। तो इसी तरीके से गाइस मैंने यहाँ पे किया है, एंड लिपस्टिक के साथ ही मेरा लुक डन हो गया है। चांद विषभ को कहा, चांद कोई ढलता है, चांद विषभ को कहा।